अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, अरे क्या कर रही हैं आप? ये भूत उतार रही थी आपका। आप तांत्रिक हैं? नहीं, हूँ तो मैं डॉक्टर ही, पर कभी कभी भूत उतारने का काम भी कर लेती हूँ। डॉक्टर, 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 मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज आप डॉक्टर को बुलाइए ना, कुछ करिए प्लीज। देखिए सारे डॉक्टर्स बिजी हैं, कुछ ब्रेक पर गए हैं और कुछ इमरजेंसी केस हैंडल कर रहे हैं। मेरे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, आप प्लीज चल के देखिए। कौन से पेशेंट की बात हो रही है नर्स? बताइए ना नर्स, कौन से पेशेंट है वो? मुझे बताइए, मैं उस पेशेंट को अटेंड कर लूंगी। भाई, मेरा भाई। आप डॉक्टर हैं क्या? आप सवाल बाद में कर लेना, पहले पेशेंट के पास लेकर चलिए। ओ हेलो, पेशेंट ट्रीट कराना है, रील्स नहीं बनवानी है। आप असली डॉक्टर हो तो बताओ, मुझे नकली डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर, इनके भाई का रूम कहाँ है? मैम, आगे से राइट साइड में सेकंड रूम उनका है। आप प्लीज इन्हें संभालिए, मैं अब भी आती हूँ, ठीक है? उसकी फ्रेग्रेंस तो यही है, मगर वो कहाँ चली गई? कैसे ढूंढूं उसे, नाम भी बता के नहीं गई। कहाँ ढूंढूं उसको, समझ नहीं आ रहा मुझे। और सुफी कैसा है? हाँ, किसे भाई? इतनी बेचारी से किसे ढूंढ रहा है? डॉल अदिति राव, ब्यूटीफुल, कैसे समझाऊं? अच्छे अच्छे गालों वाली, सीधी साधी बोली वाली, खाली नागिन की जैसे जुल्फों की गाली, हड्डियों वाली, एकदम निजाली, मेरे दिल में रहने वाली, कुदरत ने उसको ढूंढ के निकाली। ओ यो सूफी सिंह, अरमान भाई, तो आपने औरतों को देखा है क्या? तो मैंने बहुत सी औरतों को देखा, लेकिन तू किस औरत की बात कर रहा है? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डियों वाली डॉक्टर, देखा क्या उसको? नहीं नहीं भाई, मैं क्यों देखूंगा, मेरी हड्डियां बिल्कुल सही सलामत है। अरमान भाई, तुम नहीं समझोगे, मैं ढूंढ रहा हूँ उस कन्या को जिसने सुभान भाई का तो इलाज कर दिया मगर मुझे बीमार करके चली गई। इलाज? तुझे तुझे क्या हुआ? तेरी तेरी कौन सी हड्डी टूट गई है? दिल की हड्डी अरमान भाई, दिल की हड्डी टूट गई है। दिल में हड्डी भी होती है? होती है, मुझे हाथ पता चला। होती है अरमान भाई, होती है, और इसका इलाज वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही कर सकती है। कहाँ ढूंढो उसे जो मुझे घायल करके चली गई मगर अपने क्लिनिक का पता भी नहीं बताया। Totally mad. सोफी, तुम नहीं समझोगे भाई। क्या नहीं समझूंगा मैं? सोफी, सोफी, इसे क्या हो गया? हवा के जैसे है और आंधी की तरह चली गई। तो मैं सोचता हूँ तुमसे दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, शायद नहीं होगी। सोफी, कितनी जल्दी तुमने ख्याली पुलाव पका लिए, अभी के लिए से पुरानी लंदन वाली कैटरीना सबरीना को याद कर। क्या किस्मत चल रही है यार सूफी, एक्सलेंट। किसी ने सही बोला है, किसी चीज को अगर दिल से चाहो ना तो वो मिल नहीं जाती है, जैसे मुझे तुम मिल गई मिस ऑर्थो। रूटीन चेकअप हो चुके हैं, अब आपको आपकी नानी अम्मी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। ये फॉर्म है, इसे फिल कर दो और जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हम आपको मेल कर देंगे। ओके ओके, एक्सक्यूज मी। सूफी, कुछ तो करना पड़ेगा कि इसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ दिल में एंट्री हो जाए। क्या करूं क्या करूं, क्या हड्डी वड्डी तोड़ लूं क्या? कोई आ आ, ओ मेरा पैर, मेरा पैर, मैं गया।
मैं लंगड़ा हो गया, मेरे को कुछ पूछा, ओ अल्लाह मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। अरे मेरा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप देख नहीं रही हैं क्या? तड़प रहा हूँ, प्लीज कुछ करिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। क्या बताऊँ, हाल ही दिल का हाल, दिल का मतलब दिल का हाल, पैर का, दोनों जगह दर्द हो रही है, प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आप ही तो कर सकती है, आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है ना, हड्डियाँ तोड़ने जुड़ने का काम है आपका। हाँ तो आपके डिपार्टमेंट में कुछ हुआ है, देखिए ना, शायद कुछ हेयर लाइन फ्रैक्चर हुई होगी, एक बार देख तो लीजिए। प्लीज हुआ कैसे? वो मैं मेडिकल स्टोर पे नारियल पानी लेने जा रहा था तो एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई, ट्रक तो बच गया मगर मेरा पैर टूट गया, बहुत दर्द हो रही है, शायद फ्रैक्चर हो गया। हाय बेचारा कितना तड़प रहा है। बेटा कुछ कर, बेचारे के पैर पर फ्रैक्चर हो गया है, तू तो हड्डियों के डॉक्टर है ना, देख ले जरा इसे। अरे नहीं नानी अम्मी, अगर इन्हें फ्रैक्चर हुआ होता तो ये यहाँ तक तो चल कर नहीं आ पाते। अरे आप डॉक्टर हैं, एक्सरे मशीन वहाँ से देख के कैसे बता सकती हैं? आप चेक तो करिए, कुछ तो होगा, शायद हेलन फ्रैक्चर हुई होगी, प्लीज चेक तो करो, ये देखो। मुझे तो नहीं लगता कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ हो। अरे मसल पुल हुआ होगा, लिगामेंट टियर होगा, कुछ तो हुआ होगा, आप ट्राई तो करके देखिए ना नानी। काम करिए, काम करिए, आप यहाँ से राइट साइड जाइए, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होगा, आप वहाँ पे जाके चेकअप करा लीजिए, है ना। अरे आप कैसी बात कर रही हैं, डॉक्टर तो हर समय ड्यूटी पर होता है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज है ही नहीं, मरीज आपके सामने तड़प रहा है और आप किसी और डॉक्टर के पास जाने की डायरेक्शन दे रही हैं, मैं तो इलाज आप ही से कराऊंगा। व्हाट? मतलब आपने सुभान भाई का इलाज किया था तो मुझे भी ठीक कर दीजिए, है ना। कश्यप बेटा देख लिया जरा, बेचारा कितना दर्द से तड़प रहा है, देख लेना जरा। क्या बोले जा रहे हैं आपका नाम? काम भी कितना अच्छा आपका, तोड़ना जोड़ना मेरे दिल का, मतलब मेरे पैर, पैर का इलाज कर दो ना, बहुत दर्द हो रहा है, आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है। आ, आ। ठीक है फिर, अगर आप इलाज नहीं कर सकती तो मैं घर ही चला जाता हूँ फिर, और क्या कश्यप। अच्छा अच्छा सुनिए, एक काम करिए, अगर आपको सच में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए, वो एक्सरे निकालेंगे, उसके बगैर आपको मालूम नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्लीज जल्दी जल्दी जाइए, डॉक्टर शर्मा ड्यूटी पर होंगे, वो आपको देख लेंगे। अरे मैं कैसे जाऊँ मिस, जिसके सहारे जाना मेरा वही दर्द हो रहा है, आपको भरोसा नहीं है, दिखाऊं? देखिए, अरे 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 संभाल के संभाल के। अरे क्या कर रही हैं आप, ये भूत उतार रही थी आपका। आप तांत्रिक हैं? नहीं हूँ तो मैं डॉक्टर ही, पर कभी कभी भूत उतारने का काम भी कर लेती हूँ। चलिए स्ट्रेचर पर लेटिए। क्यों लेट जाऊँ? अरे आपको हड्डी का इलाज नहीं कराना? ओ, बहुत दर्द है। चलिए ले चलिए। हाँ चलिए चलिए आगे देख के चलिए, फिर से गिर जाएंगे। टीट जाइए। मैं अभी आती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।